first topic, last topic. आइसोटोप्स हैं क्या बेटे? कहते हैं ये एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। अब कहता क्या बेटे आइसोटोप्स क्या है? एक तो ये एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स है, यानी एलिमेंट्स के एटम है जिनका एटॉमिक नंबर ऊपर क्या होगा, सेम होगा, यकसा होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या होती है बेटे, डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। बात क्लियर कि आइसोटोप्स क्या है आपके पास? ये एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, हेलो भाई, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, यकसा, और एटॉमिक मास क्या होगी बेटे, डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ। अब मैं अगर यहां बात करूं बेटे एटॉमिक नंबर की, ये एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स को। ये जो प्रोटॉन्स की तादाद है बेटे उसे आप किसका नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। दूसरा लफ्ज आता है एटॉमिक मास, अब ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस बेटे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उसे आप क्या कहते हैं बेटे, एटॉमिक मास। अब सुने, ये होता है न्यूक्लियस, इसमें होते हैं प्रोटॉन और दूसरे क्या होते हैं बेटे, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये शेल है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं, समझ आ गए, रिवॉल्व करते हैं। तो सिर्फ जो प्रोटॉन की तादाद है ये आपके पास क्या कहलाएगी बेटे, एटॉमिक नंबर, क्या कहलाएगी, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप जमा कर दें, ऐड कर दें, तो फिर ये क्या कहलाता है लफ्ज, एटॉमिक मास हो गया। तो ये एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हो गए हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास बेटे क्या होती है, मुख्तलिफ। क्लियर हो गया? यहाँ इसकी एग्जाम्पल में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बेटे तीन आइसोटोप्स होते हैं H11, H12 और H13, ठीक है, ये आपके पास प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, ये आपके पास तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। इसके जो तो नीचे हम लिखते हैं सैंबल्स के, ये अलामत है, इसके जो तो नीचे बेटे लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और इसके जो ऊपर लिखा जाता है, ये जो मैंने लिखा जिसके ऊपर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है बेटे, दैट इज एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर हो गया 1, 1, 1, ये एटॉमिक नंबर हो गया 1, 2, 3, ये क्या है बेटे, मास। क्लियर है? अब इधर आप कहते हैं इसके अगर हम डायग्राम बनाएंगे, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और ये शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब सुनो, इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटे, 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन, इधर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया बेटे, 1, कितना हो गया 1, ये आ गया प्रोटॉन 1। अब देखो इसकी एटॉमिक मास कितनी है, बड़ा 1। अब देखो प्रोटॉन में इतने न्यूट्रॉन ऐड करो कि जो आंसर है बेटे वो 1 रहे, देखो एटॉमिक मास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आप बताओ टोटल एटॉमिक मास है 1, 1 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है नंबर ऑफ प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने ऐड करो, ये 1 रहे, कितने ऐड करो, 1 मेरे पास पहले है, इसमें न्यूट्रॉन कितने ऐड करो, 0, यहाँ क्या आ जाएगा,
एक प्लस वन। इसका मतलब है कि प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन है, जीरो न्यूट्रॉन है और एक इसके गिर्द क्या मौजूद है बेटे, इलेक्ट्रॉन। याद रखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है बराबर, ये इक्वल, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आपका एटम जो है ये ओवरऑल क्या होता है बेटे, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, चले अब प्रोटियम के अंदर क्या हो गया बताएं, एक प्रोटॉन, नेक्स्ट कोई न्यूट्रॉन नहीं और एक इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या करता है बेटे, घूमता है, घूमता। ड्यूटियम, जी भाई, इसमें क्या कहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये आ गया बेटे इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, ये नीचे वन है, क्या लिखो बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, टोटल आपने कितना करना है, देखें कितना करना है टोटल, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया बेटे, टोटल कितना हो गया दो, तो यहाँ आ गया वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन और जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया भाई, तो ड्यूटेरियम के अंदर आप क्या कहते हैं, वन प्रोटॉन है, वन न्यूट्रॉन है और वन इलेक्ट्रॉन हो गया। ट्राइटियम, हाँ भाई, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है और ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जी भाई, अब प्रोटॉन तो क्या है, वन है, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये वन है। अब हमने एटॉमिक मास थ्री करनी है बेटे, बताएं बेटे, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम ड्यूटियम और ट्राइटियम। वन वन में वन प्रोटॉन कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इधर वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन है, इधर वन प्रोटॉन एलिमेंट है। इधर देखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे, डिफरेंट है। देखो इसमें जीरो है, इसमें कितना है भाई, वन है और इसमें बेटे दो, इसमें प्रोटॉन यकसा है एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें क्या है बेटे, हो गया भाई, कोई इश्यू तो नहीं, हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, कार्बन, कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये तीन आइसोटोप्स 6 12, 6 13 और 6 14, ये नीचे वाला क्या है भला, 6 ये है क्या भला, ये एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन बेटे जितने पहले में आ गए दो और दूसरे में क्या आ जाते हैं बेटे, चार, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, छह, जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो गए बेटे, इलेक्ट्रॉन। कर लोगे, इसमें 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 क्या हो गए बेटे, न्यूट्रॉन और 6 इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। जी अगला कौन लिखवाएगा, आप इसमें प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7 टोटल 13, तो क्या करोगे 7, और यहाँ पर पहले में दो और दूसरे में कितने आ गए, हो गया बेटे। तो प्रॉब्लम कार्बन 14, जी भाई, प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 8, 14 है टोटल, न्यूट्रॉन कितने 8 हो गए और इलेक्ट्रॉन बेटे, हाँ भाई, पहले में दो हाँ यहाँ आ गए 4, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो गया बेटे, हो गया भाई। तो ये तीन और आइसोटोप्स हो गए,
12, 13 और 14, ठीक है। इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसमें बेटे 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसमें भाई 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स क्या हो गए, ये एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगी बेटे मुख्तलिफ। या दूसरी डेफिनेशन क्या कराई भला, तीसरा क्या करवाई, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या हो गया, हो गया जी, प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्जांपल हो जाएगी। चलिए ये हमारे पास आज का टॉपिक है, दैट इज द